जाओ मत यार, पास मत जाओ ना, वो आएगा तो ठीक। डिनर और कमेंट करके बताना कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। वही अभी शाम के बज रहे हैं 5:45, अभी घर पे हूँ और मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है। आज मैं जाने वाला हूँ अपने गांव के आसपास किसी अच्छी सी लोकेशन पे। भाई बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि अपना घर दिखाओ, तो ये है मेरा घर, ये हमारा पुराना वाला, और चलते हैं यहाँ से। तो वही हमारा गाँव तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको पुराने मकान भी देखने को मिलेंगे और नए मकान भी। देखिए सनसेट होने वाला है कुछ देर बाद, तो सनसेट होने से पहले लोकेशन पे पहुँचते हैं कहीं बढ़िया। सामने पे देखिए सनसेट होने वाला है, और ये प्लेस देखिए पूरा एक बुग्याल की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए भाई बहुत जबरदस्त लोकेशन है ये। फ्लैट है तो टेंट यहाँ पिच करते हैं। मैं पहले नीचे गया था भाई, नीचे ना चींटियों का घोंसला था, तो मैंने वो जगह छोड़ दी। अब दोस्तों देखिए शाम हो चुकी है, और आपने बढ़िया सामने में ना जो विंटर लाइन बन रही थी उसको एंजॉय किया, और दूर कहीं भजन चल रहे ना मंदिर में, तो भाई वो अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। तो बस अपने को ना थोड़ा सा खतरा ये रहता है कि कॉपीराइट का यार, तो मैं इस वजह से ना बैकग्राउंड पे म्यूजिक यूज करूँगा, तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक भजन चल रहे ना तब तक मैं बैकग्राउंड लगा के रखूँगा। और सबसे पहले भाई जला लेते हैं अपनी लाइट, और यहाँ पे मैंने आज मैं जो भी बनाने वाला हूँ वो सारा सामान इधर रखा हुआ है। और अब सबसे पहले ना मैं लकड़ियाँ ले आया था, जो भी मेरे को झाड़ी वगैरह यहाँ अगल बगल में मिली वो मैंने इकट्ठा कर ली थी, तो उसको जला देते हैं। तो चलो आग जलाते हैं सबसे पहले।
ये झाड़ियां मैंने ढूंढ ली थी और इसको ना थोड़ा सा साइड करते हैं। और आज अपने पास ना पूरी रात के लिए भाई यही है, आराम आराम से इसको जलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप लोग केयर करते हो, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आग बहुत जरूरी है, बिना आग के कैंप मत किया करो। दोस्तों देखो, मैं कोशिश तो हमेशा ये करता हूँ कि भाई आग जरूर जलाऊं, कभी कभी बारिश की वजह से या फिर लकड़ी न मिलने की वजह से आग जलानी मुश्किल होती है, वरना तो अपनी सेफ्टी का ध्यान कौन नहीं रखेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी इस तरह से केयर करते हो। चलो भाई, विंटर जाने का टाइम था, फरवरी लास्ट चल रहा है, मतलब मार्च का स्टार्टिंग, मार्च शुरू होने वाला है। ठंडी नहीं जा रही, सर्दी, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि सर्दी अब स्टार्ट हो रही है। तो अभी अपनी तो भगवान जी ने भी सुन ली भाई, भजन बंद हो चुके। अब अपने लिए ना कुछ चाय बनाते हैं, बस आप बने रहिए वीडियो में। अभी शाम की शुरुआत करते हैं दोस्तों, शाम के ड्रिंक के साथ, दूध भी है और सूप भी है, तो अभी सूप बनाते हैं और दूध सुबह काम आएगा, सुबह चाय बनाएंगे बढ़िया से अपने लिए। तो दोस्तों पानी तो उबल चुका है भाई, गैस को करते हैं बंद। ये तैयार कर लेते हैं भैया सूप अपने लिए। दोस्तों शाम के ज्यादा नहीं हो रहा भाई टाइम, ठीक है, 7:51 हो रहे हैं, ये देखिए 7:51 सिर्फ, ठीक है। और नीचे वाली साइड से ना शेर के गुर्राने की आवाज 2 से 3 बार आ चुकी है, अब सोचिए। और जबकि मैं घर के बिल्कुल इतना पास में हूं, और मैंने ना यहां के अलावा यहां और एक बार आशीष भाई के साथ कैंप किया था उनके घर के जस्ट पीछे, मतलब ज्यादा दूरी नहीं थी, उस दिन भी मुश्किल से 100-200 मीटर नीचे गधेरे में थे हम, तो उतनी दूरी पे भाई पूरी रात शेर चिल्लाया था। अभी अगर दोबारा से चिल्लाएगा ना तो आपको भी सुनाई देगा। वाह, सूप तो दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि सूप में कुछ करना तो पड़ता नहीं है, ऑलरेडी बना होता है, बाकी स्वाद के अनुसार आपको सिर्फ नमक ऐड करना है। तो कैंपिंग के यही एडवांटेज हैं, मजा आता है, मतलब जो लोग थोड़ा सा थ्रिल पसंद करते हैं, इस टाइप की चीजों को पसंद करते हैं ना, उनके लिए कैंपिंग बेस्ट है। और भाई बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि कुछ स्टोरी हॉरर टाइप की ना, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो जगह है ना दोस्तों जहाँ पे मैंने अभी कैंप किया है, कभी यहाँ पे हमारा गांव हुआ करता था, ऐसा हमारे पुराने लोग बताते हैं। अभी भी यहाँ पे मिट्टी विट्टी खोदने में ना, थोड़ा गहरा खोदने में, तो यहाँ पे ना गांव हुआ करता था, तो तब बहुत कम लोग होंगे गांव में, तो यहाँ आग लग गई थी, पूरा गांव मतलब स्वाहा हो गया था इधर, ऐसा बताते हैं पुराने लोग। तो उसके अवशेष, मतलब इस टाइप के जो कोयले वाली मैं बात बता रहा हूँ, वो यहाँ पे मिलती है इस जगह पे, ये कॉमन जगह है जहाँ पे मैंने आज का कैंप किया है। तो चलिए भाई, मैं बढ़िया सूप इंजॉय करता हूँ, और कैमरे के पीछे ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा नजर रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। हाँ,
भाई साहब अंदर ने करते दिया ने। गाइस ये सुनो भाई, शेर की आवाज अभी आपने शायद क्लियर सुनी होगी। बिल्कुल पास में है ये, अभी तो बहुत पास में आ गया दीपू भाई, अभी तो मतलब वो पहले से भी तेज आवाज आई है। अभी अभी जाओ मत यार, पास मत जाओ ना, वो आएगा तो ठीक है यार। भयंकर अब ऐसे कैसे डर के चलेगा? नहीं डर के तो खैर है, तो वो तो है खैर, लेकिन फिर भी यार। अभी दोस्तों दीपू भाई मेरे साथ लाइन में है, और सामने उधर वाली साइड से ना शेर की आवाज आ रही है भाई। दो बार इतनी तगड़ी आवाज आई है, एक बार तो मैंने रिकॉर्ड भी किया है। मैं उसको आवाज बढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। अगर आवाज सुनाई देगी तो आप लोग भी सुनना। भाई खाना बनाने का टाइम था दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी सिर्फ 8:25 हो रहे हैं शाम के, ये देखिए, और अभी से ये हाल है। तो चलो भाई अपना कुछ डिनर कुक करते हैं। आज मैं जो बनाने वाला हूं ना, बाहर इधर उधर भी नजर रखनी हो रही है, और अपनी आग भी बुझ चुकी है, देखो आग बिल्कुल बुझ चुकी है सब कुछ। मैं आलू घर से बॉईल करके लेके आ गया था, तो इनको बढ़िया से छील लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इनकी प्रोसेस शुरू करूंगा। अब आलू तो मैंने भाई छील लिए, छील के साइड में रख लिए। अब मैं काट लेता हूँ अपने लिए प्याज। वैसे तो ये भाई एक पार्ट है जंगल का, है ना, मैं जंगल में आ रखा हूँ उसकी टेरिटरी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मतलब एक बार और गुर्रा जाए कुछ पास आ गए ना, तो शायद आप लोगों को भी यकीन अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों हल्ला मचाने के अलावा मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, आग है वो बुझ चुकी है। तो ये कट गया अपना प्याज, इसमें ना आलू अपने मैं कर लेता हूँ मैस। ये दोस्तों ये डाल दिया ऑयल, देखो भाई लाल आग जल रहा है बिल्कुल। इसमें सबसे पहली चीज जो डाली जाती है वो है राई। देखिए कितनी जल्दी चढ़क रही है भाई। अब मैं डाल देता हूँ तुरंत इसमें आलू। देखो दोस्तों ऐसे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आज मैं ना स्पून भाई स्पैचुला स्पून सब कुछ भूल के आ गया हूँ। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ मसाले, जिसमें कि सबसे पहले नमक, ये किचन किंग मसाला। डर भी लग रहा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि डर नहीं लग रहा है भाई। और ये डाल दिया भाई हल्का धनिया। हिम्मत नहीं है मेरी टेंट से भी बाहर निकलने की। तो दोस्तों शायद ये हो गया होगा, तो गैस को कर लेते हैं बंद। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया कच्चा प्याज जो मैंने अभी काटा था। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ये नींबू। सबको ना मैं मिक्स कर लेता हूँ बढ़िया से आपस में। इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ा था भाई। अब ना मैं इसके छोटे छोटे डो बना लेता हूँ। ये देखिए एक, ये दो, इसी तरीके से दो तीन और बनाता हूँ। अगली चीज की तैयारी करते हैं। तो ये है बेसन, सबसे पहले थोड़ा सा नमक, किचन किंग मसाला, किसी मिर्च, बस थोड़ा सा पानी।
तो मुझे लग रहा है कि ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा भाई। देखिए भाई तेल हो चुका है, तो अब इनको ना इसमें डिप करते हैं बढ़िया से। और दोस्तों पहली बार बना रहा हूँ भाई, उम्मीद है कि अच्छा ही बनेगा। तो एक एक करके पकाते हैं, तो इससे प्यार से इसको पलटना पड़ेगा। ये देखिए गाइस परफेक्टली पक रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा दोस्तों बाहर भी नज़र रखनी पड़ रही है आज, मैं मतलब ना अपनी जान का पूरा रिस्क लेके कैम्प कर रहा हूँ। अब जो भी होगा भाई देखा जाएगा। ये देखिए, तो ना इसको निकाल देते हैं। थोड़ी देर इनको ऐसे पकने देते हैं बिना गैस जले। तो अब इनको निकाल लेते हैं इसमें। आय हाय गरम है बिल्कुल तेल, बिल्कुल गरम तेल। ये देखिए आपसे सस्पेंस बना के रखा था मैंने, अब बता देता हूँ भाई आपको कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। ये पाव, तो आज मैं बना रहा हूँ अपने लिए वड़ा पाव। इसको काट लेते हैं भाई। आय हाय हाय हाय, तो ये भरी मैंने इसके अंदर वड़ा। तो वड़ा का साइज भाई कुछ हटके हो सकता है क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ। अपने जितने भी वड़े हैं ना इनको मैं ऐसे गरम करता हूं भाई। ओए होए होए, ये देखिए आया ना भाई बिल्कुल पाव वाला कलर। वड़े और साथ में पाव, और हर एक वड़ा पाव के साथ एक मिर्च, ये दोस्तों कंपलसरी है। ये इतना भी खा लूंगा ना भाई आज बहुत होगा। और कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है आपको देखने में। बाकी मैं अब टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाराष्ट्र वालों की, मुंबई वालों की डिश को टेस्ट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और साथ में स्पाइसी मिर्च। तो चलिए लेट्स टेस्ट इट। वाओ यार मजा आ गया। दोस्तों आपने सुना अभी, बस शुक्र है अभी थोड़ा दूर है। जितनी पहले पास से आवाज आई थी ना बिल्कुल पास से, वैसी आवाज नहीं है अभी। और दोस्तों दीपू भाई अभी तक लाइन पे हैं मेरे साथ। दीपू भाई फिर से आवाज आई अभी। हाँ आयल तो दूर छाव। दोस्तों देखो फिर से आवाज आई। जो होगा दोस्तों देखा जाएगा यार, बस अपने वेपन अपने पास रखने हैं। यहां से ही लूंगा नहीं,
बस जो आएगा यहाँ पे आएगा, और कुछ आया ना भिड़ जाऊंगा बस। चलो मजे से इसमें नींबू डालते हैं भाई, ये देखिए, और ये मिर्च की बाइट, और साथ में वड़ा पाव। वाह, मजा आ गया सच में। जो भी होगा देखा जाएगा। ओवरऑल दोस्तों वड़ा पाव एक नंबर रखा है, बस थोड़ा सा हरी चटनी की कमी रही, बाकी लाल वाली चटनी तो मैंने बना ली यहीं पे खुद ही। एरिया चेक कर लिया और देखो आग अपनी ऐसे बुझ गई, पूरा जितना आग का मसाला था वो ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैं घुसता हूँ टेंट के अंदर और सो जाता हूँ भाई, अगर कुछ भी होगा रात में तो देखा जाएगा। या चेक करके मैं आ चुका हूँ टेंट के अंदर, और भाई देखो जंगली हिरन की भी आवाज आने लग गई है, ये देखो, ये भाई बार्किंग डियर। डोर करते हैं क्लोज, और जो बाहर की लाइट है ना ये अपने आप जले रहती है, क्योंकि लाइट जले रहेगी तो थोड़ा बहुत शायद मेरा मानना है कि जानवर कोई भी आसपास नहीं आएगा। और ये टेंट थोड़ा बड़ा है तो इससे मुझे भाई सपोर्ट भी मिलेगा। सोते हैं भाई, है ना, ऐसे में नींद आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ना आज ठंडा उतना ज्यादा नहीं है तो जैकेट को लगाते हैं सिराने में, और कोशिश करते हैं भाई सोने की। और वेपन बिल्कुल अपने पास में रखा हुआ है मैंने। वैसे तो भाई देखिए इतना बड़ा टेंट है, कोई भी चीज इसको देखेगी तो थोड़ा बहुत तो उसको डर फील तो होगा, है तो कपड़ा ही ना, लेकिन तब भी अब हैबिट हो चुकी है, बहुत बार कैंप कर लिया, इस टाइप की चीजें बहुत बार फेस कर ली, सही लगता है कुल मिला के, कहने का मतलब यह है मेरा। अभी मैं सोता हूँ और अब आपसे मिलता हूँ कल सुबह, और सुबह दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। तो मिलते हैं दोस्तों कल मॉर्निंग पे, तब तक के लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। नींद आएगी नहीं दोस्तों, अगर आ गई तो ठीक ही है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए एक नई सुबह नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज मौसम बिल्कुल क्लियर है भाई, चारों तरफ बिल्कुल साफ हो रखा है, तो धूप आ चुकी है बहुत ही बढ़िया। बाकी अब मैं एक बार आपको ना चारों ओर का एरिया दिखाता हूँ।
जिसमें कि आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए मॉर्निंग टी। कुछ इस तरह की जगह थी और सामने में देखिए हिमालय राज, ये देखिए नंदा देवी, नंदा कोट, ये सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है। और जो रात में आवाज़ आई ना लेपर्ड के गुर्राने की, पहले तो भाई इस ओर से आवाज़ थी और बहुत नीचे की तरफ से आवाज़ थी, ठीक है, मैं उस चीज़ को मतलब उससे बिल्कुल भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई जंगल है, जंगल में तो आम है ये बात है, ठीक है। और तो पूरा ये देवदार का जंगल है, नीचे की तरफ चीड़ का जंगल है। और यहाँ पे भाई मैंने अपना टेंट पिच किया था, यहाँ से धूप में बैठ के ना अपने लिए बनाते हैं मॉर्निंग टी, बस इतना पानी काफ़ी है, सुबह की चाय अच्छी बननी चाहिए दोस्तों। चाय उबल चुकी है, अब इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। देखो भाई बार्किंग डियर फिर से चिल्लाने लगा, अब इसे अपने लिए सर्व करते हैं। वही अपनी गर्मा गर्म चाय, आह तो अब दोस्तों मैं अपनी पैकिंग करके फाइनली घर के लिए निकल चुका हूँ। होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको तोड़ डालो भाई, है ना, हमेशा की तरह। बाकी सब्सक्राइब करने में भाई किसी का कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग करते नहीं पता नहीं क्यों। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ, आपके लिए फ्रेंड्स रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, टिल देन बाय, जय श्री राम। जो लोग सब्सक्राइब करने में ना कंजूसी दिखाते हैं उनको मैं हिमालय दिखा देता हूँ। देखो अब मैंने आपको हिमालय दिखा दिया भाई, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोग भी जिन जिन ने हिमालय देखा तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।